हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज से हम बी फार्मेसी फोर सेमेस्टर का जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है फोर सेमेस्टर में, उसके यूनिट फाइव को स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस। और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो है फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं, मीन्स फाइबर्स के क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल्स, और इन फाइबर्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो नेचुरल फाइबर्स होते क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स जो हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक रॉ मटेरियल होता है, ये कह सकते हैं थ्रेड लाइक या फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमको डायरेक्टली कहाँ से ऑप्टेन होता है, इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स से हमको ऑप्टेन होता है, मीन्स वेजिटेबल सोर्स, मीन्स प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट से हमको ये ऑप्टेन होता है, या तो एनिमल के स्पेसिफिक पार्ट ऑर्गन से हमको ऑप्टेन होता है, या तो ये मिनरल सोर्स से होता है। तो इन्हीं फाइबर्स को क्या कहा जाता है, नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। तो फार्माकोग्नोसी के अकॉर्डिंग इसको फाइबर्स को क्या कहा गया है, इट इज़ एन एलोंगेटेड थिक वॉल्ड सेल। ये क्या है, ये एलोंगेटेड या फिलामेंटस, ये कहते हैं थ्रेड लाइक जो है सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल्ड सेल होता है। तो ये हो गया नेचुरल फाइबर्स के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, मीन्स किस तरीके से फाइबर्स को क्लासिफाई किया गया है। तो फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, वो कहाँ से हमको ऑप्टेन हो रहा है, कौन से सोर्स से हमको ऑप्टेन हो रहा है, और क्या उसका केमिकल नेचर है, उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। तो फाइबर्स जो हैं दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर, ये कह सकते हैं मेन मेड फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो जैसा हमने आपको बताया था, नेचुरल फाइबर जो हमको नेचुरल सोर्स मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल सोर्स से जो ऑप्टेन होते हैं, तो फर्दर जो है नेचुरल फाइबर यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है एज अ वेजिटेबल फाइबर, एनिमल फाइबर और थर्ड मिनरल फाइबर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताएंगे वेजिटेबल फाइबर्स क्या होते हैं। तो वेजिटेबल फाइबर्स या कह सकते हैं प्लांट फाइबर, तो क्योंकि ये जो है प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट से हमको ये फाइबर ऑप्टेन होता है। और ये क्या होते हैं, ये मेनली सेल्यूलोज बेस्ड होता है। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज जो है वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इसमें प्रेजेंट होता है। ये जो सेल्यूलोज जिस वेजिटेबल फाइबर्स में, मीन्स मेन जो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है इन फाइबर्स में। तो ये सेल्यूलोज बेस्ड होता है ये फाइबर, और इस डिफरेंट पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, और उसमें हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बताए हैं। जैसे कि जिस स्टेम से हमको ऑप्टेन होता है, कौन से ऐसे फाइबर है जो हमको प्लांट के स्टेम पार्ट से ऑप्टेन होता है, जैसे कि फ्लैक्स फाइबर, हेम्प क्या होता है, जिसको हम कैनबिस प्लांट से हमको ये ऑप्टेन होता है, तो कैनबिस प्लांट के स्टेम से हमको हेम्प फाइबर ऑप्टेन होता है। जूट के प्लांट के स्टेम से हमको जूट फाइबर ऑप्टेन होता है। बनाना के प्लांट मतलब उसके स्टेम से हमको बनाना फाइबर ऑप्टेन होता है। तो ये हो गया स्टेम पार्ट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके लीफ पार्ट से हम फाइबर ऑप्टेन करते हैं, वो है पाम और सीसल। सीसल के प्लांट के लीफ से हम सीसल फाइबर जो है ऑप्टेन करते हैं, पाम प्लांट के लीफ से हम जो है पाम फाइबर ऑप्टेन करते हैं। उसके बाद आते हैं था सीड। तो सीड पार्ट से ऑप्टेन होने वाला कौन सा फाइबर है, वो है एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है कॉटन। तो कॉटन के प्लांट में जो फ्रूट होता है उसके अंदर जो सीड होता है, तो उस सीड का जो एपिडर्मल ट्राइकोम्स होता है, ये कह सकते हैं हेयर होता है उस सीड का, वही क्या कहलाता है, वही कॉटन कहलाता है। तो सीड से ऑप्टेन होने वाला जो फाइबर है वो है कॉटन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फ्रूट। फ्रूट जिससे हमको फाइबर ऑप्टेन होता है वो है ल्यूफा और क्वायर। ल्यूफा क्या होता है, ल्यूफा प्लांट से, या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तोरई। तो तोरई का जो प्लांट होता है उसका जो फ्रूट होता है, उसके फ्रूट के अंदर जो है उसे हमको जो फाइबर मिलता है उसको हम ल्यूफा फाइबर बोलते हैं। और इसको कॉमनली जो है इसको स्पॉन्ज स्क्रब के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वायर। क्वायर क्या होता है, ये जो है कोकोनट होते हैं, कोकोनट का फाइबर होता है, मीन्स कोकोनट का जो आउटर स्किन जो होता है उससे ये फाइबर हमको ऑप्टेन होता है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमको फ्रूट से ऑप्टेन हो रहे हैं, तो ये फ्रूट फाइबर के अंदर आता है क्योंकि ये फ्रूट से हमको ऑप्टेन हो रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ग्रास, तो बैम्बू। तो बैम्बू फाइबर जो है हमको ऑप्टेन होता है फ्रॉम द बैम्बू प्लांट। तो ये हो गया वेजिटेबल फाइबर्स के बारे में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एनिमल फाइबर। तो ये जो एनिमल फाइबर होते हैं, ये हमको एनिमल के डिफरेंट पार्ट से हमको ये ऑप्टेन होते हैं, और ये जो है मेनली प्रोटीन बेस्ड होते हैं, मतलब कि इसमें जो मेन केमिकल्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, मीन्स एनिमल फाइबर बेसिकली आर द प्रोटीन फाइबर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सिल्क। सिल्क हमको ऑप्टेन होता है फ्रॉम द सिल्क वर्म से हमको ये ऑप्टेन होता है, उसका जो ककून होता है उससे ये सिल्क फाइबर ऑप्टेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वुल।
वुल हमको कहाँ से ऑप्टेन होता है, शिप से हमको ऑप्टेन होता है वुल फाइबर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मोहर। मोहर क्या होता है, मोहर फाइबर जो है हमको ऑप्टेन होता है बाय द स्पेसिफिक टाइप ऑफ गोट, गोरा गोट से हमको ये जो है मोहर फाइबर ऑप्टेन होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एंगोरा फाइबर। यह जो एंगोरा फाइबर है ये जो है क्या होता है, ये स्पेसिफिक टाइप का एंगोरा रैबिट होता है, उस एंगोरा रैबिट का हेयर होता है ये एंगोरा फाइबर जो है हमको उससे ऑप्टेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मिंक एंड रैबिट। तो रैबिट का फर और जो मिंक होते हैं, मिंक जो एनिमल होता है उसका जो फर है उसको भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर में एस्बेस्टस हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या होते हैं, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस फाइबर, ये सब मिनरल फाइबर्स के अंदर आते हैं। तो ये हो गया, हमने आपको बताया नेचुरल फाइबर्स के बारे में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर। तो आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है, ये मेन मेड फाइबर है। तो दो तरीके का होता है ये आर्टिफिशियल फाइबर, रीजनरेटेड फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि रीजनरेटेड फाइबर क्या होता है। तो रीजनरेटेड फाइबर जैसे कि नाम है, इसको वापस से जनरेट किया जाता है, मीन्स वापस से इसको बनाया जाता है, किससे, नेचुरल फाइबर से। मीन्स नेचुरल फाइबर को ऐसा रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और उसके बाद उसमें केमिकल मॉडिफिकेशन करके, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, प्रॉपर ट्रीटमेंट देके इन फाइबर्स को रीजनरेट किया जाता है, मीन्स इन फाइबर्स को बनाया जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है, मीन्स इसको डिफरेंट केमिकल्स की मदद से उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो ये हो गया सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो हमने यहाँ पे फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है, रीजनरेटेड फाइबर्स विच इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट मटेरियल एंड द रीजनरेटेड फाइबर्स विच इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोटीन मटेरियल। तो मीन्स जो हमको कार्बोहाइड्रेट से ऑप्टेन होता है, मीन्स इस कार्बोहाइड्रेट के यूज़ से हम इस रीजनरेटेड फाइबर को बनाते हैं, या और प्रोटीन के यूज़ से हम, मीन्स प्लांट से जो हमको प्रोटीन ऑप्टेन हो रहा है, तो उस प्रोटीन में हम प्रॉपर जो है उसका ट्रीटमेंट देके उसको प्रॉपर मॉडिफाई करके वो उस फाइबर को बनाया जाता है, रीजनरेटेड फाइबर को। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके, नेचुरल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको यूज़ करके हम इन रीजनरेटेड फाइबर को बनाते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट, उन पॉलीमरिक, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मॉडिफिकेशन केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। जैसे कि मेनली जो है ये विस्कोस रेयन, ये विस्कोस रेयन क्या होता है, इसे सेल्यूलोस रीजनरेटेड जो है फाइबर होता है, मीन सेल्यूलोस में मॉडिफिकेशन करके डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के थ्रू ये सेल्यूलोस का क्या है, रीजनरेटेड फाइबर है, जिसका नाम है विस्कोस रेयन है, सेल्यूलोस से बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एल्जिनेट यार्न और एसीटेट रेयन। तो ये सब क्या है, ये सब रीजनरेटेड फाइबर विच इज ऑप्टेन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फ्रॉम द प्रोटीन मटेरियल। तो प्रोटीन मटेरियल से जो एरिडिल एंड फिब्रोलिन, एरिडिल एंड फिब्रोलिन। तो एरिडिल कहाँ से ऑप्टेन होता है, मीन्स जो ग्राउंड नट होता है, जो फल्ली होती है, उसकी जो प्रोटीन होता है, तो उसके प्रोटीन में मॉडिफाई करके उसको केमिकल ट्रीटमेंट देके केमिकल प्रोसेस के थ्रू ये एरिडिल जो कि क्या है, प्रोटीन डिराइव्ड रीजनरेटेड फाइबर है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फिब्रोलिन। तो फिब्रोलिन क्या होता है, फिब्रोलिन जो है ये भी रीजनरेटेड फाइबर है विच इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोटीन मटेरियल, मीन्स मिल्क में जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन मीन्स केसिन जो होता है मिल्क में, केसिन प्रोटीन, उसका क्या होता है, उसका थ्रू द केमिकल प्रोसेस जो है मॉडिफिकेशन करके ये फिब्रोलिन जो है प्रोटीन बनाया जाता है, विच इज़ द रीजनरेटेड फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोटीन मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है टेरिलिन और नाइलॉन, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर के। नायलॉन जो है पॉलीअमीड होता है, पॉलीमर होता है, जिसको किससे बनाया जाता है, बाय द एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डायमिन से बनाया जाता है। और दूसरा टेरिलिन, टेरिलिन किससे बनाया जाता है, टेरिलिन ये पॉलीमर होता है, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड। तो ये हो गया सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अब नेक्स्ट बातें हैं कि ये फाइबर्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इन फाइबर्स को डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ साथ इनको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो क्या क्या यूजेस इन फाइबर्स का, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सूचर्स एंड लिगेचर्स, मीन्स सर्जिकल ड्रेसिंग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स जितने कॉटन हो गया, जूट है, वुल है, ये सब डिफरेंट जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनको हम सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स क्या होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स मतलब वो सभी मटेरियल जिसको हम यूज़ करते हैं, कोई भी अगर घाव हो गया है, वुंड हो गया है, कट हो गया, इंसिजन हुआ है, सर्जरी हो गया है, तो उसको कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जितने भी
हम मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉटन गॉज हो गया, या कॉटन एब्जॉर्बेंट कॉटन हो गया, सर्जिकल जो कॉटन हो गया, या क्रेप बैंडेज हो गया, एडहेसिव टेप हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब सर्जिकल ड्रेसिंग के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो सर्जिकल ड्रेसिंग से मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड दोनों होते हैं। नॉन मेडिकेटेड जिसमें जैसे कि कॉटन गॉज हो गया और टेप्स हो गया, एडहेसिव टेप्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेडिकेटेड में आते हैं। और एब्जॉर्बेंट कॉटन हो गया, ये सब नॉन मेडिकेटेड। और मेडिकेटेड सर्जिकल ड्रेसिंग्स में क्या आ जाता है, मेडिकेटेड सर्जिकल ड्रेसिंग्स मतलब कि जितने भी सर्जिकल ड्रेसिंग में जब मेडिसिन ऐड कर दिया जाता है, उसमें एंटीसेप्टिक्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो उसको हम मेडिकेटेड बोलते हैं। बहुत से जो है मार्केट में रेडीमेड जो है मेडिकेटेड सर्जिकल ड्रेसिंग्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बोरिक एसिड ऐड कर दिया जाता है, बोरिक एसिड वूल हो गया, एक कैप्सिकम वूल हो गया, तो इस तरीके से मेडिकेटेड सर्जिकल ड्रेसिंग्स अवेलेबल होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स के। तो ये क्या है, ये एब्जॉर्बेंट कॉटन कहलाता है। तो जैसे कि नाम है एब्जॉर्बेंट कॉटन, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। मीन्स अगर कट वो वुंड हुआ है तो वहाँ पे ब्लड को, म्यूकस को, पस से सिक्रीशन हो रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये स्टेराइल पैक फॉर्म में ये अवेलेबल होता है मार्केट में। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल सर्जिकल ड्रेसिंग का ये आप जो देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सर्जिकल गॉज बोलते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट जो एडहेसिव टेप्स होते हैं, बैंडेजेस होते हैं, वो सब भी क्या होते हैं, वो सब भी सर्जिकल ड्रेसिंग्स के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है फाइबर्स का एज अ सूचर्स एंड लिगेचर्स में। डिफरेंट नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स को एज अ सूचर एंड लिगेचर यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल सिल्क हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सूचर एंड लिगेचर्स क्या होते हैं, सूचर्स एंड लिगेचर्स मतलब कि जो स्टिचेस करने के लिए, मीन्स जगह चोट लग गई है, अगर स्किन जो है क्या हो गया, स्किन जो कट हो गया है, तो उसको क्या कहते हैं, उसके एजेस को सिलने के लिए, स्टिचेस करने के लिए जो धागा यूज़ किया जाता है, थ्रेड यूज़ किया जाता है, उसी को हम सूचर्स बोलते हैं। और लिगेचर्स भी वही होता है, लिगेचर्स को भी हम स्टिचेस के लिए यूज़ करते हैं, बट ये जो थ्रेड होता है, ये जो स्टिचिंग हम कहाँ करते हैं, उसको ब्लड वेजल्स में किया जाता है, आर्टरीज में, वेन्स में जब स्टिचेस लगाए जाते हैं, तो उन थ्रेड को हम लिगेचर्स बोलते हैं। यही डिफरेंस है। तो सूचर्स और लिगेचर्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अदर जैसे कि डोमेट हो गया, डोमेट बैंडेज, क्रैप बैंडेज या फैनल बैंडेज, ये सब के लिए भी यूज़ किया जाता है। ब्लैंकेट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे वूल, मीन्स जितने भी वॉर्म क्लॉथ होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको हम ऐसा फिल्टरिंग मीडियम भी यूज़ किया जाता है नेचुरल फाइबर्स को, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, या अदर जो फाइबर्स है उसको ऐसा फिल्टरिंग मीडियम यूज़ करते हैं। इंसुलेशन पर्पस के लिए भी इन नेचुरल फाइबर्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि ग्लास वूल हो गया, एस्बेस्टस हो गया, कॉटन है, ये सबको इंसुलेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और क्लोथ्स बनाने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकेटेड टॉस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली जूट को यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड टॉस। गनी बैग्स बनाने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है, मीन्स बोरे बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल जूट, जूट के डिफरेंट जो बैग्स होते हैं वो जूट फाइबर से बनते हैं। तो ये हो गए नेचुरल फाइबर्स, उनके क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल्स। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कॉटन, जूट और हेम्प फाइबर के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।